चला लियो हूँ, ना टोपा पानी घटा, अच्छा ना मड़ी सू उठा, ये मतलब एक कैप बदलने ट्रैक्टर की हीटिंग खत्म हो, सिर्फ है सिर्फ एक कैप कैप थे। मैं इंजन खलवाण रहा इंजन मैं कड़ा हीटिंग मारा कड़ा बैक प्रेशर दे रखी रस गणा सौदा खलवाण रही शिकाई पे। अच्छा एक इसे में दो दिन में मेरा पिट गया, ये सौदा के नहीं इसे अपनी कैप वो है, मतलब कैप ना अपने रेडिएटर कैप चेंज करो, फिर उसके बाद जो अपनी वाटर बॉडी की जो है ना वो इंजन वाटर बॉडी है जो पूरी ना सफाई करो, उसने चेक करवाओ रेडिएटर वगैरह लीक तो नहीं कहीं, फिर अपनी थर्मोस्टेट वॉल चेक करवाओ, फिर अपना टेपेट क्लियरेंस चेक करो, उसके बाद अपना इंजन ऑयल, अपना इंजन ऑयल अपना हाई ग्रेड जैसे ग्रेड में कौन सी ग्रेड का डाला है, नंबर बदल देना, नंबर बदलने से ट्रैक्टर ना हीटिंग उठाना स्टार्ट कर दे है इंजन ऑयल के कारण भी। एक फिर चौथा सबसे लास्ट अपना स्ट्रेनर। नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है भाई। आज आप लोगों को एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगे साथ में, और साथ के साथ में बताऊंगे भी एक चीज़ कि वजह से जो ट्रैक्टर की जो हीटिंग प्रॉब्लम है, भाई का ट्रैक्टर ना जैसे गर्माया करता तो इस भाई ने रेडिएटर की कैप चेंज करी है बस खाली, तो उससे ट्रैक्टर ना गर्माना कम हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। तो अभी बात करेंगे भाई जैसे कौन सी कैप किस तरीके से कैसे क्या है भाई, और कैप लेते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ये सारी बात करेंगे। और आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा साथ में, हल्का सा हीटिंग का ट्रैक्टर का। तो चलो एक बार बात कर लेते हैं भाई, सोमवीर क्या दिक्कत आई थी पहले न्यू बता। दिक्कत यह आई थी जो ट्रैक्टर में टर्बो लगा ली, हाँ कंपनी का एडिटर कंपनी डाटा सब कुछ उसका था, हाँ हाँ ये जो दो घंटे से ट्रैक्टर चलाया, सुई लाल में दे मारी दो घंटे ढाई घंटे में। अच्छा रेडिएटर खोल लिया, इसमें पानी आएगा 2-3 लीटर साढ़े 3 लीटर पानी आ जाता। अच्छा पानी खत्म हो जाता, ढाई 3 लीटर पानी आ रहा था। अच्छा दो घंटे में ढाई 3 लीटर पानी, हाँ सुई लाल में ज्यादा बोल लगती है, पानी घाल ले जाओ तो ठीक है, दो घंटे चल जाए फिर वो काम, फिर लाल में बोलो जा सुई 2 घंटे बाद फिर। अच्छा फिर लाल में चली जाती वो काम चल रहा था, तो फिर तने करया के सोल्यूशन इसका? मेरा होगी मां कि मैं ऑर्डर बढ़ा रही कि मैं इंजन में कि मैं और हो गया है कुछ नहीं, मैंने एक लैपटॉप दिया कर आई उसका। अच्छा कैप बदल दी, वैसे कैप बदली करी है, हां रेडिएटर की, हां या तो उसका गैल की थी कंपनी की। अच्छा या कंपनी जो गैल आई थी साथ में बात थी पता नहीं यार। अच्छा अच्छा इस पर ट्रैक्टर मॉडल नाम भी हो मॉडल की में, हां जो भी, हां इसका वो लिख रखा है नंबर हो इस पे, और या मैंने बाद में लगाई थी या कित कौन से की है या कैप रेडिएटर, या बाद में अपने ली थी बाहर से ली थी बाहर तक, कौन से जो कौन सा रेडिएटर बता दो तू पहले, जो छोटे आर दे बड़े लेगा वो 18 मॉडल उस पर लगा दो, और कंपनी में तो ले आए थे वो रेडिएटर ध्यान को नहीं 4 नाली का 3 का था। अच्छा मतलब जो पहले जो 18 फार्म ट्रक 18 मॉडल था उस पर रेडिएटर छोटा था, तो उस तो बड़ा रेडिएटर लेगा उस पर आई थी कैप। अरे उस पर या कैप आई थी, तो फिर तने ठाक ने पुरानी उसकी कैप ठाक इस पर लगा दी, बदली होगी हो गया आपस में उसका ही उधर है नुकर रेडिएटर उसकी खोल के इस पर लगा देख ली, कहीं ना बताई जुगर नुकर के देख ली नुकर ले पानी चल जाएगा गैस निकल जाएगी, यो लगाया पास ना तो इसने जुगर सब बदन चला लियो हूँ, ना टोपा पानी घटा, अच्छा ना मड़ी सू उठा, मतलब एक कैप बदलने तक ट्रैक्टर की हीटिंग खत्म है, सिर्फ एक कैप कैप थे। मैं इंजन खलवाण हो रहा इंजन मैं कड़ा हीटिंग मारा कड़ा बैक प्रेशर दे रखी रस गणा सौदा खलवाण हो रही शिकाई पे। अच्छा एक इसे में दो दिन में मेरा पिट गया, ये सौदा के नहीं इसे, तो सागर बताए के कारण है भाई इस पर ना जो नंबर आ रहा है उस पर तो है नहीं, इस पर है 0.9 bar यूं 13 PSI, जब है ना पानी मतलब ट्रैक्टर चल रहा है तो रेडिएटर में गर्म पानी हो है, पानी गर्म होगा तो बाफ भी बनाएगी, हाँ। या कैप किस हिसाब से डिजाइन, जब आज उकर PSI आप गेज देखा ना टायरा में भी मारा है दबाव तो गेज ना पीजा PSI प्रेशर हो है, हाँ। तो पानी गर्म होगा तो बाफ बनाएगी, हाँ। और मारेगी ऊपर धक्का, तो की है जब 13 PSI का धक्का बना, लेकिन जब आप कैप ये खुलेगी ऊपर ना, अच्छा अच्छा ये की है मतलब सुन बिना रखवा ली इस पर टर्बो, तो उसमें तेल लगा लियो आप घटा बढ़ा का अच्छे तेल जड़ा है, तो इंजन थोड़ा टेम्परेचर उठाने लग गया, पानी जल्दी गर्म होने लग गया, और यह खुल थी अपना 13 PSI के उस पर, तो 13 PSI के था भीतर भीतर बाफ ना पूरी जब ती जल्दी हीटिंग हुई थी इसमें, और ये कड़ा थी लेट, तो इसमें क्या कैप बदले में या अड़की ही हीटिंग होते जब एक साथ में गैस निकाल दी है, या 13 PSI तक कम पर काम कर रहा है, ये दिक्कत आ रहा नॉर्मली कुछ है ना, मान लो कुछ की मान लो टर्बो ना रखवाई पहले भी वैसे भी हीटिंग उठाने लगी, तो कई केसेस में यह खराब हो जाया करें। ठीक ठीक मेन जो चीज बताऊं जैसे हीटिंग की जो बात करें, ट्रैक्टर गर्माश क्यों उठा हुआ है उसके कई कारण हैं, सबसे पहले रेडिएटर की कैप भी चेक करवाओ, दूसरा फिर जैसे भाई अपना वाटर बॉडी पूरी लाइन को ना साफ करवा लो, तीसरा फिर जैसे अपना थर्मोस्टेट वाल ने चेक करके देखो एक बार गर्म पानी में डाल के उसने देख लो प्रॉपर अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही, नहीं वाल निकाले पीछे फिर गड़बड़ और भी ज्यादा नुकसान है उसका, जो वापसी वाला जो नुकसान जहाँ ना रास्ता
वो बंद करना पड़ा, वो बंद नहीं करते हम, थर्मोस्टेट वाल तो निकाल दें, फिर वो ना ट्रैक्टर में उल्टा सीधा पानी चलता रहा तो उसमें सारी गड़बड़ हो जाए, फिर वो तो सिस्टम पूरा बिगड़ जाए ट्रैक्टर का, लंबे टाइम पर चलकर ट्रैक्टर सीधा सीज होना स्टार्ट, हीटिंग ज़्यादा दिखा होगा। फिर एक होगा अगर टैपेट क्लियरेंस, हम कई बार टैपेट आगे पीछे कर दे उससे ट्रैक्टर हीटिंग दिखाना स्टार्ट कर दे है, टैपेट अगर क्लियरेंस प्रॉपर नहीं होता, टैपेट टाइट हो जाए तो उससे ट्रैक्टर के लिए एक कई बार जैसे अपना हेड वगैरह देखना पड़ता, हमने हेड कहीं से लीक हो छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ का पानी या अपना जो कूलेंट रिसाव हो गया कम हो जाए है उसमें, और उससे भी ट्रैक्टर हीटिंग दिखाना स्टार्ट कर दे। तेल का भी, तेल का क्या बता, गाड़ी ग्रेड का तेल डाल दे, हाँ हाई ग्रेड जैसे 20-40 का, 20W40 बोल रहा है तो आपने 30W30 का डाल दिया तो ट्रैक्टर 100% हीटिंग दिखा होगा। एक फिर नीचे स्ट्रेनर की जाली होया करे, हाँ 3-4 साल में बाद जाम होगी तो भी ऊपर हटती तेल ना होगा, हाँ हटती तेल नहीं पहुंचा प्रॉपर पिस्टन पे तेल नहीं जाओगा, हाँ। तो ट्रैक्टर अपने आप ऑटोमेटिकली हीटिंग दिखा होगा। वह भी लगभग आप ला लियो 2 साल में एक बार साफ होनी चाहिए, हाँ, स्ट्रेनर होता अंदर स्ट्रेनर उसमें, लेकिन वो लेख का देता नहीं उसकी स्ट्रेनर की सफाई, लेकिन वहाँ जरूरी हो है। नहीं कुछ चीजें ऐसी है ना मैनुअल बुक में नहीं होती, लेकिन वो वर्कशॉप मैनुअल बुक में होती है वो सारी चीजें, वह कैसे साफ करी जा करनी जरूरी है, स्ट्रेनर भी हो है, हाइड्रोलिक का भी स्ट्रेनर हो है, हाइड्रोलिक का मतलब जो लिफ्ट वाला टाप उसका भी स्ट्रेनर स्ट्रेनर हो है, वो भी साफ करना चाहिए। मतलब मेन जो पॉइंट मोटे मोटे पॉइंट बना, सबसे पहले तो अपने रेडिएटर की कैप देखो, एक मान लीजिए इसने बदलवा तो भाई अपना नंबर के हिसाब से ले दोबारा, जैसे इस भाई ने टर्बो रखवा ली तो कोई दिक्कत नहीं, आप वह कैप चुन लो जो कम प्रेशर पर खुला है, कई के हमारे टर्बो कॉन्टैक्टर पर कैप होगी इसमें दिक्कत, आफ्टर मार्केट में जाके कितने तेल आए लानी थी 13 PSI की 15 PSI की ले ली, उसमें 100% हीटिंग था और पानी कटा होगा, वो खुलनी था 13 PSI 13 के प्रेशर बार वह खुलनी थी, लेकिन वह पहुंच गई 15, वह खुलेगी 15 बार, अब 13 तो 15 पहुंच जाए, इतना ट्रैक्टर ने हीटिंग दिखा दी, वो इतना प्रेशर बनागा कितना कितना लीकेज दिखा होगा, कोई ना कोई पाइप में हल्का फुल्का कूलेंट बगाना तो गर्म तो होगा, हाँ वो गर्म होगा। सबसे पहले तो अपनी कैप देखो, फिर अपना वाटर नंबर कौन सा, हाँ नंबर के हिसाब से अपनी कैप वो मतलब कैप ना अपनी रेडिएटर कैप चेंज करो, फिर उसके बाद जो अपनी वाटर बॉडी की जो है ना वो इंजन वाटर बॉडी है जो पूरी ना सफाई करो, उसने चेक करवाओ रेडिएटर वगैरह लीक तो नहीं कहीं, फिर अपनी थर्मोस्टेट वॉल चेक करवाओ, फिर अपना टैपेट क्लियरेंस चेक करो, उसके बाद अपना इंजन ऑयल, अपना इंजन ऑयल अपना हाई ग्रेड जैसे ग्रेड में कौन सी ग्रेड का डाला है, नंबर बदल देना, नंबर बदलने से ट्रैक्टर ना हीटिंग उठाना स्टार्ट कर दे है इंजन ऑयल के कारण भी। एक फिर चौथा सबसे लास्ट अपना स्ट्रेनर, स्ट्रेनर ना अपने नीचे जैसे ना इंजन के अंदर नीचे ना एक फिल्टर हो जो पूरा इंजन ऑयल जब वहाँ पहुँचा है तो उसमें जब फिल्टर हो गए तब पंप में पहुँचा, और पंप फिर क्या पूरी इंजन ऑयल की इंजन के अंदर ऑयल गैलरी होती है जो उसके अंदर पूरे तेल को फैलाता वो फिल्टर लाइफ टाइम एक करो वो बदले नहीं जाता, हाँ वो फिल्टर क्या है जैसे इंजन में ज्यादा गंद हो जाए होने कारण या तेल ज्यादा गाढ़ा होने कारण वो इंजन में तेल कम पहुँच पाओ उस पंप तक और इंजन में कम तेल पहुँचा होगा तो इंजन ऑटोमेटिकली गर्मा होगा और आपका जल्दी डैमेज भी होगा इंजन, तो ये छोटी छोटी चीज है। तो सो मेरे एक प्रैक्टिकल देखा कै मिनट में हो जाए गर्मा इसमें ट्रैक्टर चला जाएगा लगाए पीछे 2 घंटे ले जाएगा, 2 घंटे लेगा तो चल छोड़ तो 2 घंटे दिया तो चल ठीक है, तने पानी कटा दिया सुई ठान 2 घंटे में सुई उठा देगा लाल में दी, अच्छा दो एक जोर चलाते थोड़ी देर में पानी कटाना चालू कर दिया लाते तो पानी कटना शुरू हो जाएगा अच्छा यो तार भी देखना चाहिए बस अपना तार काम करा कि नहीं करता हीटिंग का ना काम करता वो तार हट जाता जो करे हीटिंग ये प्रॉपर काम करा है रे प्रॉपर काम करा है अच्छा मतलब चीज या छोटी सी है हीटिंग की लागना सौदा देगी ला के मतलब पूरा इंजन खुलवा दे यार आदमी का और आदमी कई बंदे तो इतने परेशान हो जाए ट्रैक्टर बेच दे हैं इस दुख के मारे देखा कौन उस पर है बाकी इच्छा तो तेरी भी है और बला आग लाऊंगा तेरे पे एक प्रसाई में थोड़ा पंखड़िया का भी हो जाए जिसमें प्लास्टिक की देना पंखड़ी हां कई बार वो एंगल बदल जाए उनका लोकल वाली जो कंपनी की प्लास्टिक वाली वो तो बहुत अच्छी चले हैं एक है ना फिर जो सर्विस पे फैन बेल्ट की फ्री प्ले आ रही है भी देखनी जरूरी होगी फ्री प्ले में क्या है पंखे ने प्रॉपर नहीं घुमा पाओगा वो स्पीड स्लिप हो जाएगी वो स्लिप होगी तो उसमें फिर क्या है बैटरी भी डाउन जल्दी अल्टरनेटर भी नहीं घूमेगा कैम साफ्ट भी नहीं घूमेगी बहुत सारी चीजें खत्म हो उससे ना इंजन सारा ही डैमेज हो जाए ट्रैक्टर फैन बेल्ट तो अपनी आपने टाइम टू टाइम चेंज करनी चाहिए
चेंज ना दे अपन ले तो आई सर्विस पे चेक हो हां पहले चेक भी हो को ना करते नहीं करते भाई ये अपने जो मिस्त्री है वो नहीं करते उन्होंने सिर्फ अपना क्या तेल बदला और ट्रैक्टर अपना चलता कर दिया इसमें तो ना ये मतलब बराबर में दे भी रखी होगी साइड आ जाओ अपनी साइड है के चीज साइड तो देख लिया वो बीच में तो लगा देखा दे वो नो ला लियो 1.5 इंच की अगर उसमें पहले ये इस साइड तो लगा देखोगे ना आप जब तो या 10-12 एमएम बता रहा कंपनी वाइज बदल गया है या चेक करनी जरूरी हो खरिया दे टाइट करना भी ऑप्शन दे रहे है इसमें तो जगह है अपना टाइट करवाते रहो इसमें मतलब चेंज करवाते रहो टाइम टू टाइम चेंज करवा दो इसमें बीच में दरार आनी शुरू हो जाए दाते बीच में जब चेंज करवानी हो ना तो फिर अपना सर्विस पे तो टाइट करवाते मतलब टाइट करवाते रहो हां टाइट करवाते रहो मेन चीज है जब एक टाइट होने के बाद एक टाइम के बाद टाइट होनी बंद हो जाएगी यार उससे ज्यादा कहां टाइट करेगा तो फिर ऑटोमेटिक खराब होगी मोटी चीज खुद करनी पड़ेगा कंपनी वाला कोई नहीं कर रहा है एयर क्लीनर तक भी साफ नहीं करते ऑयल वाला जो एयर ये चीज यो मैंने कंपनी में सर्विस कराई हां हां साफ करवाया चलो अगला साफ कर दिया खुला छोड़ दिया एक जब सफाई हो ना तो प्रेशर हवा का भीतरली साइड मारो देख इसमें आगे ना गंदगी है मिस्त्री के आगे मार देगा इसमें हल्का प्रेशर रखो और भीतर तो हवा भी अंदर की साइड से जैसे कुछ ट्रैक्टरों में वो जैसे बताया ना फैन पंखे के अंदर ऑप्शन दे रखा था उल्टा रिवर्स करके रिवर्स हवा फेंक दे उल्टी हवा फेंक देगा वो तो जिस तरह रेडिएटर तुरंत साफ हो जाए आदमी ने बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़े खैर इसमें आजकल तो वो भी चीज आ रही है वो कौन सी विस्कोसिटी ऑयल क्लच प्लेट हवा नहीं टाटा के ट्रक में भी आती है वो टाटा हवा में भी आती है वो चीज मतलब नहीं काम कर यार मतलब उसमें पंखा स्टार्टिंग रहोगा बंद जब इंजन गर्म होगा तेल गर्म होगा तो अपने आप पंखा चालू हो जाएगा वो तो गर्माश के हिसाब से है भाई हीटिंग जब इंजन की हीटिंग मेंटेन ठंड में चलेगा ट्रैक्टर तो वहाँ इंजन जब ठंडी में बर्फ में चलेगा हाँ तो उस टाइम पंखा बंद रहेगा इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो चलो मेन पॉइंट ये है भाई हीटिंग के छोटे छोटे पॉइंट है इन पर ध्यान देना चाहिए बंदे ने ये देखो इसमें सामने तो प्रेशर मार रखा प्रदीप ये देखो देखिए हाँ ये मुड़ जाएंगे मुड़ भी जाएंगे फिर जो गंदगी इसके बीच में फंस जाएगी ना यार तेज प्रेशर में दिक्कत आओ ज्यादा यार अंदर की साइड से मारो प्रेशर अंदर की साइड से चलो यही चीज बताना चाह रहे थे भाई छोटे छोटे दिक्कत है ये अपना ना चेंज करवा लो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं इन चीजों के तो यही चीज बताना चाह रहे जैसी वीडियो कमेंट कर जरूर बताना वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब करना वीडियो लाइक करना शेयर करना थैंक यू दोस्तों।